एक में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई स्पॉट होता है, वो स्पॉट फंगस बैक्टीरिया वायरस एलगी बनाते हैं। कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। ऐसे केस में अगर आप कंटामिनेटेड एरिया में से वायरस को पैदा हो, फंगस जो हो, यानी बैक्टीरिया जो होता है, वो डीएनए कंटामिनेटेड होता है। ग्राइंड के लिए ग्राइंड करते हैं प्योर नहीं होता, प्योर सैंपल हो इसलिए सॉफ्ट एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। जो आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो इजी होना चाहिए। क्यों? जैसे मैंगो है, पका हुआ वाला मैंगो ऐसे में मार्केट में है, तो उसका स्किन बाहर का होता है हार्ड होता है, अंदर पल्प होता है सॉफ्ट होता है, फिर एक फाइब्रस नेटवर्क होता है सीड के ऊपर, वो भी हार्ड होता है, फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का कोट होता है वो भी हार्ड होता है, उसके नीचे सीड कर्नल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो आपको कौन सा लेना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, किसको आप ग्राइंड कर सकते हो। वेल, कोई भी सॉलिड सैंपल चाहे वो ब्लड ही क्यों ना हो, जैसे क्राइम सीन पे ब्लड गिर गया है सूख गया है तो वो तो सॉलिड मिलेगा ना, सूखा हुआ, तो फिर स्पैटुला से फोर्सेप से स्क्रैप करके ले आएंगे, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके ब्रेक करेंगे जिससे उसका सेल टूट जाए, सब एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी सैंपल इंग्लैंड मेटल गोल्ड इंग्लैंड जो भी उसके बाद आएंगे उसके लिए ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर उसका सेल टूटेगा।